हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज का टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोग नेशनल इनकम पर बातें करने जाने वाले हैं। नेशनल इनकम कहने का क्या मतलब है दोस्तों? आप लोगों को लग रहा होगा कि जो भी राष्ट्र का जितना भी आय होता है या फिर राष्ट्र के जितने भी इनकम के बारे में अगर हम बातें कर रहे हैं तो हम उसको नेशनल इनकम के तौर पर हम मानते हैं। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इट मेजर्स नेट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब हमारे भारत देश में जितनी भी सारी चीज़ें प्रोडक्शन के तौर पे हम मानते हैं, एक गिवन टाइम यानी कि आप कह सकते हैं कि एक साल में जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं गुड्स और सर्विसेज, वो हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, इट आल्सो इंक्लूड्स नेट अर्न, जो कि फॉरेन इनकम के तौर पे हमारे सामने जितने भी बाहरी भी आए हमारे सामने आ रही हैं, यानी कि सपोज़ करिए कोई अगर इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी है, वो अगर बाहर रह रही है तो वहाँ से भी जितने इनकम हो रही है हमारे देश में, तो वो भी हमारा नेशनल कैपिटल में ही आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बातें करूँ तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ करता है। इसको अगर इन अदर वर्ड्स में अगर हम अगर इसका जो डेफिनेशन है वो देखना चाहेंगे तो टोटल इनकम नेशनल यानी कि टोटल नेशनल इनकम मेजर्स द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो नॉट स्टॉक। याद रखिएगा दोस्तों, ये एक तरह से हमारा फ्लो है, कैश फ्लो आप लोग जानते होंगे, तो एक तरह से फ्लो है, ये कोई स्टॉक नहीं है। इसी के साथ ही साथ नेशनल इनकम मेजर्स द प्रोडक्टिव पावर ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब कह सकते हैं कि जितनी भी प्रोडक्टिविटी की चीज़ें कह दर्शाती हैं हमारे इकोनॉमी में, वो हमारा नेशनल इनकम के ही तौर पे चीज़ें आ जाती हैं। इसी के साथ ही इन अ गिवन टाइम टू टर्न आउट द गुड्स एंड द सर्विसेज फॉर द फाइनल कंजम्पशन। नेशनल इनकम डिफाइंस टोटल नेट अर्निंग फ्रॉम प्रोडक्टिव गुड्स एंड द सर्विसेज इन द कंट्री। क्लियर है दोस्तों, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो फॉर्मूला आप लोग देख पा रहे हैं, नेशनल इनकम डेट इज़ इक्वल टू सी, जहाँ का मतलब है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी जहाँ पर टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में, इन टू एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब क्या है दोस्तों? इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। क्लियर है दोस्तों, ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती हैं। NI is considered as the NNM and the factor cost. अब यहाँ पर दो शब्द हमें देखने को मिल रहा है, NMP क्या होता है, उसी के साथ ही factor cost क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते जाएंगे दोस्तों, बस चीज़ों को याद रखते जाइएगा। प्रीलिम्स में या फिर UPSC में या फिर स्टेट PCS में कभी भी सवाल आते हैं कि ज़रा बताइए NNP का फुल फॉर्म क्या होता है, PCI क्या होता है, GDP क्या होता है, तो GNP का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। इसी के साथ GDP का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, GNI का आप लोग जानते हैं कि ग्रॉस नेशनल इनकम, NNP का नेट नेशनल प्रोडक्ट, PCI का पर कैपिटा इनकम होता है। याद रखते जाइएगा दोस्तों, इनको स्क्रीनशॉट लेते जाइए और चीज़ें याद रखते जाइए। अगर छूट जा रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ पर जो नोट्स हैं वो PDF के फॉर्म में आप लोगों को मिलने वाले हैं। इसी के साथ ही नेशनल इनकम एग्रीगेट्स आर द एस्टिमेट आइदर एट द फैक्टर कॉस्ट और अ मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है दोस्तों, अभी जस्ट मैंने बताया, तो फैक्टर कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन डेट इज़ द रेंट ऑफ लैंड, इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल, वेजेस। इसी के साथ ही जो लेबर पर जो कि रेंट वगैरह लगते हैं या फिर हमें मिला करते हैं, वो फैक्टर का कॉस्ट हमारे सामने चीज़ें उभर करके आती हैं। फैक्ट्री से याद रखिएगा फैक्टर कॉस्ट पर, और चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी। इसी के साथ ही जो कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है उसके जितने भी प्रॉफिट्स वगैरह आएंगे वो हमारा फैक्टर कॉस्ट पर ही चीज़ें आ जाएंगी। FC फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू MP मतलब मार्केट प्राइस माइनस ITS। ITS कहने का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। सब्सिडीज़ क्या होता है दोस्तों, जैसे गैस में हमें सब्सिडी वगैरह मिला करते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं आगे बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। मार्केट प्राइस की मैं बातें करूं तो प्राइस एक्चुअली पेड बाय द कस्टमर्स, इट इंक्लूड्स कंपोनेंट्स ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स एंड द सब्सिडीज। वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, तो पर कैपिटा इनकम के बारे में हम बातें कर रहे थे, अभी जस्ट हमने फुल फॉर्म देखा था।
तो ये क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स में हमें अभी फिलहाल के लिए टर्म्स वगैरह देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि टर्म्स में सीधा जो एमसीक्यू के सवाल हैं वो हमारे सामने उभर करके आते हैं। लोग इसे समझते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा आसान है, हम इसे नहीं करेंगे, और मानिए दोस्तों मेरी बात, ये वही लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। एक क्लियर करने वाला बंदा इस माइंडसेट से हमेशा पढ़ता जाएगा कि उसे कुछ भी नहीं आता है, चाहे ए बी सी डी हो चाहे क ख ग घ हो। तो ये सारी चीज़ें क ख ग घ से मुझे मिर्ज़ापुर याद आती हैं, बट वो सारी चीज़ें अपार्ट। तो पी सी आई का मतलब क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी डैट इज़ अर्न पर पर्सन इज इन अ सर्टेन एरिया। पी सी आई का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन होता है। इसके बाद हम जीएनपी पर आगे बढ़ते हैं, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर बातें हो रही हैं, तो द टोटल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। क्लियर है दोस्तों, जो भी हमारा जीएनपी का क्या मतलब होता है, ज़रा ध्यान देते जाइएगा दोस्तों, जो भी हमारा आउटपुट निकल करके आ रहा है हमारे कंट्री के लोगों के द्वारा, वो हमारा जीएनपी में आता है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट है, तो नेशनल से हमारी ही कंट्री मान करके चलिए। इसके एक फिक्स्ड एरिया में जितने भी लोग प्रोडक्शन की चीज़ें दे रहे हैं, जहाँ कहीं गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये हमारे जीएनपी में चीज़ें उभर करके आएंगी। वी इंक्लूड मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स आउटसाइड द कंट्री। इसमें देखिए दोस्तों, अगर मान करके चलिए एक फिक्स्ड एरिया में हमारे सामने, अगर मान करके चलिए ये हमारा इंडिया है और तुम्हारा दोस्त है या फिर मेरा दोस्त है वो अमेरिका में रह रहा है, वो इंडियन हो करके भी चीज़ें अपने हिसाब से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट बना रहा है, तो ये भी हमारा जीएनपी में चीज़ें आ जाएंगी, जो कि यहाँ पर लिखा पड़ा है, वी इंक्लूड मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स आउटसाइड द कंट्री। इनकम प्रोड्यूस और रिसीव बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री विद इन बाउंड्रीज ऑफ अ फॉरेन कंट्रीज। उसी के साथ ही साथ ज़रा ध्यान दीजिएगा, एडेड टू द जीडीपी। इनकम रिसीव बाय द फॉरेन नेशनल्स विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जीडीपी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारे सामने जितने भी लोग हैं, आप ये कह सकते हैं कि फॉरेन प्रॉफिट जितने भी हमारे सामने हो रहे हैं वो हम जीएनपी में ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि नेशनल से चीज़ें याद रखिएगा, और वही जीडीपी में हम उसको जो इंक्लूड है वो करते जाएंगे। तो जीएनपी का जो फॉर्मूला होता है वो जीएनपी इज़ इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, हमारे सामने चीज़ें उभर करके आती हैं। यहाँ पर चीज़ें कुछ इस प्रकार आती है दोस्तों, याद रखते जाइएगा। हाँ, इसको देखते जाइएगा कि जी एन पी इज इक्वल टू जी डी पी प्लस एक्स माइनस एम। जी डी पी का मतलब पता है दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी के साथ ही एक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्स का जो मतलब है कुछ इस प्रकार से आता है कि द इनकम बाय द नेशनल्स विद इन द बाउंड्री ऑफ अ फॉरेन कंट्रीज माइनस इनकम रिसीव बाय द फॉरेन नेशंस विद इन द कंट्री। जब इन केस एक्स इज इक्वल टू एम हो जाए, तब हमारा जो जीएनपी हो जाएगा वो जीडीपी के बराबर हो जाएगा। उस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए होता है। एनएफआईए का क्या मतलब है दोस्तों, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसके साथ ही इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि रिसीव फ्रॉम एब्रॉड माइनस इनकम पेड टू द अब्रॉड। अब्रॉड वो प्रोनाउंसिएशन पर मत जाइएगा चीज़ दोस्तों, वर्ड्स पर ध्यान मत दीजिए, बस फीलिंग को समझते जाइए। नेट नेशनल प्रोडक्शन, अभी जस्ट हमने एनएनपी की बातें की थी, तो ये क्या होता है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है, बाय सब्ट्रैक्टिंग डिप्रिशिएशन वैल्यू फ्रॉम जीएनपी, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन का क्या मतलब है दोस्तों, जो कि लॉस की चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती हैं। जीडीपी का क्या मतलब है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि तब से हम देखते जा रहे हैं जीडीपी क्या है, जीडीपी, तो इसका जो ओरिजिन मतलब है दोस्तों कुछ इस प्रकार से समझते जाइएगा। टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम।
National product focus not only the domestic product but also goods and services products outside the boundary of the nation. दोस्तों GDP में और GNP में difference आप लोगों को मैंने बता दिया था. D और N का फर्क है और यही जो दुनिया की चीज़ें include कराता है. D से दुनिया याद रखिएगा और जब दुनिया से D याद है तो ये चीज़ें D GDP के तौर पे हमारे सामने उभर करके आएंगी. वहीं नेशन से हमारा देश याद रहेगा तो ये GNP की बातें हमारा नेशन के ही अंतर्गत चीज़ें कराएंगी. GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड मेजर ऑफ द वैल्यू मेजर ऑफ वैल्यू एडेड इन द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी प्रोवाइड्स द रुपी वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी आफ्टर द डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ द इनपुट एंड द रॉ मटीरियल्स डैट हैव गॉन इनटू द प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स एंड द सर्विसेज. GVA का क्या मतलब है दोस्तों? इकोनॉमिक आउटपुट माइनस इनपुट. GVA इज अ सेक्टर स्पेसिफिक वाइल GDP इज कैलकुलेटेड बाय द summation of the GVA of all the sector of the economy within the taxes added and the subsidies are the deducted. GDP minus consumption plus investment plus government expansion plus net export. GDP at the market price का इसका formula क्या होगा? Market price minus E minus I. अगर हम GDP at the factor cost पर अगर बातें करें तो GNP at FC मतलब फैक्टर कॉस्ट माइनस ई माइनस आई. नॉमिनल GDP क्या है दोस्तों? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये बोरिंग लग रहा होगा. मेरी बात मानिए दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ. सिर्फ और सिर्फ जो भी डेफिनेशन है GDP का हो गया, GNP का हो गया, NNP का हो गया, नॉमिनल GDP, ग्रीन GDP सारी चीज़ें करवाऊंगा दोस्तों. क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं यही मानता हूँ अगर अभी ही आप लोगों को मैं अगर सारी चीज़ें करवा दूंगा तो एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को कोई भी डर नहीं होगा और आप लोग बेहिचक इन सारी चीज़ों को आराम से लिख पाएंगे. नॉमिनल GDP की मैं बातें करूँ दोस्तों तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री. रियल GDP क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटपुट इकोनॉमी एडजस्टेड फॉर द प्राइस चेंजेस बेस ईयर इज सेलेक्टेड फॉर काउंटिंग द रियल GDP. हम हर एक साल को ध्यान में रखते हुए, जैसे इस साल का हमें निकालना है 2022 को हमें ध्यान देना है, तो हम 2021 का 2020 का अपने हिसाब से चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं. याद रखिएगा दोस्तों, हम एक बेस ईयर को मानते हैं. पहले हमारे पास 2004 से 2005 हुआ करता था, लेकिन अब हम 2011 से 2012 तक की चीज़ें हम सामने दर्शाते हैं. तो न्यू GDP सीरीज 2011-12 का चेंज इन GDP कैलकुलेशन टू यूजिंग मार्केट प्राइस रेदर देन द फैक्टर कॉस्ट. GDP बैक सीरीज़ क्या होता है दोस्तों? न्यू कैलकुलेशन का जो दौर है वो हमारे सामने उभर करके आता है. हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक चेंजेस. जो भी हमारा 2004 में चीज़ें चलती थी और अब हम 2011 तक की चीज़ें दर्शा रहे हैं, ये जो 7 साल का जो डिफरेंस है दोस्तों, चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होंगे. तो उस चीज़ों को करने के लिए, समझने के लिए हम GDP के बैक सीरीज़ को पढ़ते हैं. अब देखते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेशनल इकोनॉमी पर थोड़ी सी और बातें करते हैं. तो GNP का जो फॉर्मूला है, बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस गुड्स विच इंक्लूड डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट सब्सिडीज. NNP कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वेज. नंबर वन, एट द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, एंड सेकेंड एट द फैक्टर कॉस्ट. When NNP is obtained at the factor cost called national income. National income is calculated by subtracting net direct tax from NNP at the market prices. Obtained value known as NNP at the factor cost or the national income. NNP at the factor cost or national income is equal to NNP at the market price minus indirect taxes minus subsidy. ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, याद रखते जाइएगा. पर्सनल इनकम के बारे में अगर मैं बातें करूँ तो इट वाज ऑब्टेन्ड बाय द नेशनल्स, मतलब जितने भी सिटीजन लोग हैं उनके पर्सनल पर भी जितने भी इनकम की चीज़ें दिखाती हैं, दर्शाती हैं, उनको हम कुछ इस प्रकार से हम मानते हैं. तो इट वाज ऑब्टेन्ड बाय द सब्ट्रैक्टिंग कॉर्पोरेट टैक्सेस एंड द पेमेंट्स मेड फॉर द सोशल सिक्योरिटीज प्रोविजंस फॉर फ्रॉम नेशनल इनकम एंड एडिंग
to it government transfer payments, business transfer payments and the net interest paid by the government. पर्सनल इनकम का फॉर्मूला देखिएगा दोस्तों, इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कॉरपोरेशन माइनस पेमेंट्स फॉर सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस माइनस कॉरपोरेट टैक्सेस प्लस गवर्नमेंट ट्रांसफर। ये जितने सारे हैं ये कभी पूछने वाले नहीं है दोस्तों, इसको याद मत करिएगा, बस इतना याद रखिएगा। इंसान के पास में, एक व्यक्ति के पास में पैसा तभी आता है दोस्तों जब हर जगह से उसको लात पड़ जाते हैं। लात पड़ने का क्या मतलब है दोस्तों, ये CST GST कटने पटने छटने के बाद में जो लॉस है उसको हटने के बाद में, एसेट्स अगर कोई अगर बिगड़ गए उनको हटने के बाद में जो भी उनके पास नॉमिनल सा पैसा आएगा उसको हम पर्सनल इनकम मानते हैं। ये बला 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 की चीज़ें ध्यान मत दीजिए, बस चीज़ों को आराम से ध्यान से देख पढ़ते जाइए। उसमें एक हमारे सामने टर्म आता है PDI का, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। व्हेन द पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पर्सनल इनकम ऑब्टेन्ड वैल्यू इज कॉल्ड PDI। इसको PDI भी कहते हैं, इसको DPI भी कहते हैं। तो DPI इज इक्वल टू PI माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। पर कैपिटा इनकम के बारे में बातें करते हैं दोस्तों, तो जो मेजर्ड अमाउंट ऑफ द मनी इज बीइंग अर्न्ड पर कैपिटा पर पर्सन इन अ कंट्री या फिर एक एरिया, कह सकते हैं कि एरिया वन में जितने भी पर्सन हैं ईच पर्सन एक एवरेज के हिसाब से कितना कमाता है वो हमारे सामने यहाँ निकल करके आ जाता है। पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इस हिसाब से हमारे इंडिया का पर कैपिटा इनकम बहुत कम होना चाहिए, और बिल्कुल भाई दोस्तों काफ़ी कम ही है। इसी के साथ ही देखते हैं, अ हाई पर कैपिटा इनकम इंडिकेट्स बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड दस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन ए होल। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा हम ऑडी में घूमेंगे, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा बढ़ता चला जाएगा, तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक में काफ़ी अच्छी चीज़ें दर्शाएगा। ये कुछ एक टेबल बना रखा है जहाँ पर अंदरूनी जो डब्बा है ये कुछ 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें दे रखी हैं। ये सब देखिए, फॉर्मूला को ही मैंने एक तरह से समराइज करके आप लोगों के सामने चीज़ों को रखा है। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो हमारे सामने 3 मेथड उभर करके आते हैं दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार है, तो ज़रा ध्यान देते जाइएगा। प्रोडक्ट मेथड के बारे में बातें हो रही हैं, तो नेट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज ऑब्टेन वैल्यू एंड टोटल ऑब्टेन वैल्यू इज टोटल फाइनल प्रोडक्ट, दिस रिप्रेजेंट GDP। नेट इन इनकम अर्नड इन द फॉरन बाउंड्रीज बाय द नेशनल इज एडेड एंड द डिप्रिशिएशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द GDP। क्लियर है दोस्तों, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, किस तरह से हमने चीज़ों को देखा कि जो नेट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड हमारे सामने, सपोज करिए कोई भी एक वैल्यू है, एक सामान है, उसका एक फाइनल प्राइस है, उसको हम किस तरह से अप्लाई करके हम जो प्रोडक्ट मेथड है उस पर लगा सकते हैं। इनकम मेथड क्या है, अ टोटल ऑफ द नेट इनकम अर्न बाय अ वर्किंग पीपल इन डिफरेंट सेक्टर। अब हम जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, हम सैलरी के ऊपर बातें कर रहे हैं, तो ये कुछ इस प्रकार है कि अगर हम इनकम मेथड पर बातें करें तो इससे भी हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। NI इज इक्वल टू टोटल रेंट प्लस टोटल वेजेस वगैरह वगैरह, मतलब जितने भी एक इंसान है वो आज यहाँ से 10 रुपये कमा रहा है, वहाँ से 5 रुपये कमा रहा है, फिर प्रॉफिट उसके पास आ रहे हैं, लॉस आ रहा है, तो वो माइनस हो करके जितने पैसे उसके पास में आएंगे वो उसका इनकम हो जाएगा। कंजम्पशन मेथड पर भी हम लगा सकते हैं कि वही बंदा खर्च कितने ज़्यादा कर रहा है, और खर्च करेगा तो उसको हम पर कैपिटा इनकम के तौर पे लेकर के चीज़ों को माइनस करके उसका जो आमदनी है निकाल सकते हैं। ये आमदनी या ठनी खर्चा रुपया मूवी की याद आ रही है, इकोनॉमिक्स कुछ इसी हिसाब से चलती है दोस्तों। तो कंजम्पशन मेथड इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम इज आइदर स्पेंड ऑन द कंजम्पशन और द सर्विसेज, हेंस द नेशनल इनकम इज द एडिशन ऑफ द टोटल कंजम्पशन एंड द टोटल सेविंग। इन इंडिया अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन मेथड एंड द इनकम मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। याद रखिएगा दोस्तों, अगर सवाल आता है प्रीलिम्स में, इंडिया में हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो बेसिकली हमारा भारत महान है ही, हम एक काम में करने में विश्वास रखते ही हैं, हमें जब तक 2 या 3 काम ना करें साथ साथ हमें मज़ा ही नहीं आएगा। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन मेथड एंड द नेशनल मेथड इज यूज फॉर द
एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। हमारे सामने इनकम मेथड भी है, हमारे सामने प्रोडक्शन मेथड भी है। कंजम्पशन का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग के पास उतना पैसा ही नहीं होता है खर्च करने के लिए कि हम लोग इतने ज़्यादा पैसे को यूज़ करें, खर्च करें और हम वहाँ से हमारा नेशनल इनकम निकालें। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये एक और शॉर्ट ट्रिक है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा प्रोडक्शन मेथड है और जो हमारा याद रखिएगा, प्रोडक्शन मेथड के साथ ही साथ हमारा जो इनकम मेथड है इसको हम लोग यूज़ करते हैं हमारे इंडिया को दर्शाने के लिए। एस्टिमेट ऑफ द एनआई इन इंडिया 1868 में पहली बार जो हमारे दादा भाई नरोजी हुआ करते हैं उन्होंने अपनी किताब में लिखा था द पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोस्तों याद रखिएगा, प्रिलिम्स में ये सारी चीज़ें स्टेट पीसेस में सीधा उभर करके आती हैं कि दादा भाई नरोजी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, तो द पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्होंने 1868 में ये प्रपोज़ किया था, ये बताया था कि जो द PCI ऑफ इंडिया 20 रुपए के आसपास हुआ। 1911 में फिनले एंड द सिवरास ने बताया था कि 49 रुपीस के आसपास हमारे सामने चीज़ें आती हैं। 1913 और 14 के आसपास में ही वादिया और जोशी ने बताया था कि 44.30 रुपीज़ हमारे सामने जो PCI है, पर कैपिटा इनकम है, हमारे सामने उभर करके आती हैं। 1925 से लेकर के 29 तक हमारे सामने डॉक्टर VKRV राव है जो कि बताते हैं कि 76 रुपीज़ तक की चीज़ें हमारे सामने दर्शाती हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड नेशनल इनकम कमिटी इन अगस्त 1949 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द प्रोफेसर PC Mahalanobis टू कंप्लीट डेटा। गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, आज़ादी के बाद चीज़ों को ध्यान दिया और एक कमेटी बना दी और उसके जो अध्यक्ष हैं या फिर चेयरमैन हैं वो प्रोफेसर PC Mahalanobis को बना दिया गया। इसी के साथ ही गवर्नमेंट एस्टेब्लिश सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे CSO का नाम देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आया है दोस्तों UPSC प्रीलिम्स में 2017 में कि ज़रा बताइए CSO का फॉर्मेशन कब होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो निर्माण है वो कब कराया जाता है दोस्तों, तो 1949 में उसका निर्माण हुआ करता है। गवर्नमेंट रिलेटेड टू NI अकाउंट्स जो भी सारी चीज़ें हैं ज़रा ध्यान देते जाइएगा। इसमें तीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे सामने उभर करके आता है जिसको नाम हम लोग NSO, NSSO और CSO देते हैं। CSO के बारे में अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। NSO का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस है और NSSO का नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हमारे सामने चीज़ें उभर करके आती हैं। फुल फॉर्म में पूछी जाती हैं दोस्तों, तो इसलिए ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए और चीज़ों को याद करते जाइए। अब ज़रा देखिए आगे क्या होता है, गवर्नमेंट मर्ज्ड CSO एंड NSSO टू फॉर्म NSO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया, NSSO को CSO के साथ जोड़ दिया और उसी के साथ ही इन दोनों को NSO के अंतर्गत डाल दिया गया। NSO का जो निर्माण है 1951 में कराया गया था, 1949 अभी जस्ट बताया, लेकिन जो उसका काम है वो 1951 में शुरू हो चुका था। इसके जो एक्टिविटीज़ हैं वो अकाउंटिंग है, सर्वेज हैं। NSSO के बारे में बातें करना तो सबसे पहला जो डेटा है कलेक्शन का काम वो इसके पास हुआ करता है। ASI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, यहाँ पर जो ASI का फुल फॉर्म है या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो फुल फॉर्म है वो एनुअल सर्वे ऑफ द इंडस्ट्री हमारे सामने चीज़ें उभर करके आ रही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो ओवरऑल NSO की जो चीज़ें हैं वो कुछ इस प्रकार से आती हैं, इट वॉज हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल। लार्ज स्केल पर जितने भी सर्वेज वगैरह होते हैं हम इसको इंक्लूड करते हैं, चाहे अर्बन में हो चाहे रूरल में हो। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास सेकंड और काफ़ी मज़ा आया, चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई होंगी क्योंकि टर्म्स के तौर पे हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं। आप लोगों से एक ही बात मैं कहूँगा, ये जितना भी इकोनॉमिक्स का टर्म है दोस्तों, इन सारी चीज़ों को नोट्स हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, चीज़ें दर्शाइए, वहाँ पर मैंने PDF को अपलोड कर दिया है, जो भी सारी चीज़ें हैं दोस्तों वहाँ से करते जाइए और देख करके जाते जाइए। और ये मान करके चलिए जो भी टर्म्स हैं वो आप लोग बस याद रखिए, रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, रटने से चीज़ें खराबी होती हैं, याद रखते जाइए, समझते जाइए और कहीं भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में पूछते जाइए या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन चलता ही है, वहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को पूछते जाइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में
और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। इकोनॉमिक्स की क्लास कैसी लग रही होगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। चीज़ें हेक्टिक हैं क्योंकि हमारे सामने टर्म्स हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को एक लिमिटेशन के तौर पर मैंने आप लोगों के सामने डाल दिया है। इससे ज़्यादा और उभर करके नहीं आएगा। लास्ट में क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करवा करके हम जो इकोनॉमिक्स है उसको एंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू और जय हिंद।